तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बकाव सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तर धांधली की जिम्मेदार वही कुव्वत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझे कि हमें धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानी है वो तो दफन हो गया ना। चलना चाहते हैं, और मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ पर रखा हुआ है कि असम्बलियाँ भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि आप ये उम्मीदवार नहीं दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो, तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। इसके आपके जमात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे, ये ना पूछो, काम खराब है बहुत ज्यादा जी। थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। बाएं बाजू की तरफ भी देखें, आपका सारा रुख दाएं बाजू की तरफ है। मैं वैसे भी थोड़ा सा बाएं बाजू वाला हूँ। दो किस्म के रहे, एक राय तो ये है कि शायद आप इस मरतबा हालांकि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर, मैं भी सुलझा हुआ मंजा हुआ हूँ। नहीं, मैं ये अर्ज करूँ कि इस दफा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, तो आप मरकज में भी हमें नजर नहीं आ रहे सेटअप में, और बलोचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, आप वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक दूसरा ये कि जिनके जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है, और बाकी पूरे पाकिस्तान को बशमूल एस्टेब्लिशमेंट आप दुश्मन बना के बैठ गए, तो ये कैसी? ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे, और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जोर से बात करेंगे। ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बकाव सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तर धांधली की जिम्मेदार वही कुव्वत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझे कि हमें धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानी है वो तो दफन हो गया ना। देखिए, उसमें एक तो हमने मरकजी मजलिस आमला के फैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद में रहना था, और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले पे आज भी मजबूर हुए हैं, और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से कि हम ये फैसला कर सकें कि हम पार्लिमानी सियासत करें भी या ना। अगर पार्लिमान ये हो तो फिर इस पार्लिमान की सियासत करना क्या फ़ायदा। तो इस हवाले से जनरल कौंसिल के पास इख्तियार है, तो चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उस पर इस मौजू पर बात होगी, तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बड़ा इख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। कल हलफदारी की तकरीब हो रही है टेबल पर, ये यहाँ पर जो लोग वो क्या हलफ देंगे? हाँ, वो तो हमने कहा कि जब तक हम पार्लिमानी निज़ाम से लातालुकी का ऐलान नहीं करते तब तक हमारा पार्लिमानी किरदार जारी रहेगा। मौलाना साहब, अभी सदारत इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने चाहिए। तो सब ये बताइए कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। मौलाना साहब, एक खत लिखा गया है आईएमएफ को पीटीआई की जाने से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नजर से देखते? देखिए, मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं आईएमएफ को इतना इन्वॉल्व करना
वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, कुछ इक्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सख्त शरायत पर वो हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर चंद की ये मसला है। अब जिस वक्त हमने कहा था कि वो असम्बली गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया, हमारा स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, बड़े बड़े असासे उनके हवाले किए गए। मेरे ख्याल में हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत के लिए दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर एहतजाज आपकी तरफ से हो तो फिर PTI के साथ निकट एहतजाज कर सकते हैं या एक बात जहन में रखें जी कि आप लोग ख़ास तौर पर जो हमारी सहाफ़ती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फौरन उसको मंजिल पे पहुंचा देते हैं। हालांकि मंजिल में अभी कोसों 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 सफ़र होता है। वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनका खैर मकदम किया, मेहमान की इज़्ज़त हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है बल्कि पहाड़ हायल हैं। उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़ुज़ात दूर करेंगे, लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फरीक मामलात को तय करने पे आमादा है और वो संजीदा हैं इसमें कि हम जमीयत के तहफ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुंचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत तो नहीं कर रहे, हम तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर हमें कोई मुतमैन कर सकता है तो हम उसमें रुकावट भी नहीं हैं। लेकिन अभी इसमें मरहला बहुत बाकी है, फौरी तौर पर ये शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। हाँ, कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। ऐसा ये फरमाई कि एक तो आपने जैसे फरमाया कि जात था और एक इसमें जो पार्लिमानी सियासत है उस पर नज़रसानी ही एक नुकतों में नुकता शामिल था, ये आज का जो जात था इसमें अमूमी राय अमूमी तौर पर क्या पाया गया। दूसरी बात, जैसे सिंध में अगर ये एहतजाज किया जा रहा है गांधी के खिलाफ GDA के प्लेटफार्म से, यहाँ भी कल ये एहतजाज है, इस हवाले से जो मुतासरीन है या मुतासर जमातें हैं या जो गांधी के इल्जाम लगा रही हैं आपस में कोई हुआ है, रास्ता हुआ है और कोई इकट्ठा एहतजाज का प्रोग्राम दिया गया? ये सवाल तो हो गया एक दफ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर थोड़ी सी हमारी जमात की जो स्ट्रक्चर है उस पर ख्याल करें। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं, तो सिंध में एक अंदाज़ से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से, यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक पूरे मुल्क में यकसां हमारा एक्शन होगा और उस हवाले से हमारे इकदाम होंगे। तो मौलाना साहब, ये मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत जीवाई के हवाले से कुछ राबते हुए आपकी जमात के साथ? सियासी लोग रबते तो करते हैं, रबते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते, हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। मौलाना साहब, असेसमेंट तो क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में और कौमी असेंबली में कितने मेम्बरान हैं जो आपके बनते हैं फार्म 45 के मुताबिक, यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा, वरना मैं अभी हिसाब किताब करूंगा आपके कहने के बाद। मौलाना साहब, गांधी का तरीका कार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और मुंबई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा, मैंने गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा, मैंने कहा। तो मैं तो किसी सियासतदान के जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, तो वो मामला तो
ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں. جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے قطع نظر اس کے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے, میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا, ہم خود قید گزار چکے ہیں, کئی کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں, جیل میں آتے جاتے رہے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی, کیوں جیل میں ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں اخلاف ہو تو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے, ہم بھی کھلے ہاتھ کریں. اور داندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ داندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا. نہیں پر مولانا صاحب, پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیگ لے کے آئے, لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی, پھر آپ کو تنہا کر دیا. 18 کے انتخابات میں اب 24 میں آپ کو پھر سے تنہا کر دیا, بعد قوم پرست جماعت سائڈ پہ کر دی گئی. پلین وہی والا ابھی بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ سر اس میں میں بیگ والا پلین چل رہا ہے کہ اس میں کچھ چینج ہوا جوڑ میں؟ آپ کو جو بھی ایسا دے ٹھیک ہے, ابھی جماعت کو لیڈر سے حملے بھی ہوئے تھے, وہ تو پھر داعش نے مان لیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. پھر دین خان میں آپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہو چکی ہے, بھاگ کر بند کر رہے ہیں, کیا اس سے ہم یہ تاثر نہیں سے کرے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ لوگ یہی کرتے رہے کہ آپ حکومت؟ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی تھریٹ نہیں. تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کو اپنایا گیا, کہاں کہاں پر کیسے کیسے طریقے اپنائے گئے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جا